Hello to all you beautiful people out there. Ashish here. Welcome to my channel. I hope you are doing absolutely great. So let's begin today's topic. Today we'll talk about how to plan your long rides. टू व्हीलर्स पर अपने लॉन्ग राइड्स को कैसे प्लान करें। सुनने में ये जितना ईजी लगता है, प्लानिंग उतना ही डिफिकल्ट और एग्जीक्यूशन उससे भी ज़्यादा डिफिकल्ट। बट हमने हमारे एक्सपीरियंस से कुछ टू डू लिस्ट बनाया है जो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। ये प्लानिंग का फर्स्ट स्टेप है, सिलेक्टिंग योर डेस्टिनेशन। आप अपने डेस्टिनेशंस को सिलेक्ट कीजिए, डिसाइड कर लीजिए कहाँ जाना है आपको। एक बार वो डिसाइड हो गया तो फिर उसके बाद गूगल मैप्स में कितना किलोमीटर्स का डिस्टेंस है वो चेक कर लीजिए। वो चेक करने के बाद अपने राइडिंग कैपेसिटी के हिसाब से उस डिस्टेंस को डिवाइड कर लीजिए और अकॉर्डिंगली प्लान कीजिए हॉल्ट्स और अपने स्टेज का, कहाँ पर आप अपने राइड को उस दिन के लिए एंड करोगे। इस बारे में आप प्लान कर सकते हैं एडवांस में। अगर आपको वो किलोमीटर एक स्ट्रेच में कंप्लीट करना है तो आप वो भी कर सकते हैं, सब आपके राइडिंग कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। लेकिन एक बात बोलूँ तो राइडिंग का जो असली मज़ा है वो मज़े लेकर जाना है, रादर देन थ्री फिगर डिजिट में डेस्टिनेशन पे पहुंचना। बिकॉज अगर आपको वही करना है तो आप बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट जा सकते हैं और अपने बाइक की कैपेसिटी चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको राइडिंग का असली मज़ा लेना है तो आराम से अपने जर्नी को एंजॉय करते हुए जाइए। लोकेशन डिसाइड करने के बाद नेक्स्ट स्टेप है अपने बजट को प्लान करना। रोड ट्रिप है तो आपको बजट प्लान करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आपको बहुत सारे चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे आपका पेट्रोल कॉस्ट थ्रू आउट द जर्नी, आपका फूड एक्सपेंस और आप जहां भी स्टे करने वाले हैं थ्रू आउट द जर्नी। इन सब का हिसाब और बजट आपको पहले ही प्लान करके डिसाइड करना पड़ेगा। पेट्रोल के एक्सपेंस के अलावा आप बाकी सब एक्सपेंस में एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। अगर आपको कोई लैविश जगह पे खाना खाना है या कोई लैविश जगह पे रहना है तो आपको आपका बजट जो है हाई रखना पड़ेगा। और अगर आप एक बजट ट्रैवलर हैं तो आप ये कर सकते हैं कि अपने जर्नी को अपने बजट के हिसाब से कंप्लीट कर सकते हैं, बिकॉज ये सब ऑप्शंस अवेलेबल है। इसलिए एडवांस में प्लानिंग करने का एक बेनिफिट ये रहेगा कि आप अपने सेविंग्स को अपने जर्नी या ट्रिप के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा आपके रोड ट्रिप का, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम आप अपने बाइक्स पर रहोगे। आपको अगर आपकी जर्नी को हैसल फ्री और एंजॉयबल बनाना है तो आपको आपके बाइक्स का अच्छा सर्विसिंग कराना जरूरी है। बाइक्स का टायर्स पार्ट्स जो वोन आउट हो गए उसे रिप्लेस कराना पड़ेगा। अगर आप अपने बाइक के टाइमली सर्विसिंग कराते हैं तो डेफिनेटली आपका बाइक जो है बहुत अच्छे कंडीशन में रहेगा। बट लॉन्ग राइड पर जाने से पहले एक सर्विसिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके सेफ और हैप्पी जर्नी के लिए। कीपिंग ऑल डॉक्यूमेंट्स इन प्लेस इज अ बिग रिक्वायरमेंट ऑन लॉन्ग राइड्स। बाइक PUC, आपका व्हीकल रजिस्ट्रेशन पेपर्स, इंश्योरेंस, आपका लाइसेंस, ये सब जरूरी है। अगर आपको किसी पुलिस ने रुकाया, आपका पेपर्स क्लियर है तो आपका ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। और अगर आपका पेपर्स मिसिंग है या आपका कोई डॉक्यूमेंट एक्सपायर्ड है तो फाइन्स और बेवजह का आर्ग्यूमेंट और कॉन्वर्जेशन में आपका टाइम भी वेस्ट हो जाएगा और सबसे बड़ी बात आपकी जो जर्नी है उसका एक्सपीरियंस भी बहुत ख़राब हो जाएगा। और एक बात, कुछ जगहों पर एंट्री का एडिशनल परमिट लगता है तो आप उस परमिट को डेफिनेटली अप्लाई कीजिए एडवांस में ऑनलाइन। और डॉक्यूमेंट्स कैरी करना एक ईजी टास्क है, बिकॉज ये आपके लगेज में ज़्यादा स्पेस तो नहीं लेगा लेकिन ये आपके जर्नी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। बाइक राइड्स दिखने में जितना कूल और अमेजिंग लगता है वो उतना ही फिजिकली और मेंटली डिमांडिंग होता है। इसलिए बाइक राइड करने से पहले आपको फिजिकली और मेंटली फिट रहना बहुत ही ज़रूरी है। फिजिकली फिट रहोगे तो लॉन्ग राइड्स पर ज़्यादा जल्दी टायर्ड नहीं होगे, और मेंटली फिट रहोगे तो लॉन्ग राइड्स पर ज़्यादा फोकस्ड रहोगे। इसलिए अगर आप बाइक राइड प्लान कर रहे हो तो एडवांस में ही अपने फिटनेस पे ध्यान देना शुरू कर दीजिए, प्लान कीजिए कैसे आप फिट रहेंगे। इनफैक्ट सिर्फ बाइक राइड के पहले ही नहीं, आपको अपने फिटनेस पर हमेशा ध्यान देना ज़रूरी है।
बिफोर योर लॉन्ग राइड एक छोटा सा ट्रायल राइड करना जरूरी है 100-200 किलोमीटर का, बिकॉज इससे आपके बॉडी को शॉक नहीं लगता है जब आप लॉन्ग राइड्स पर निकलते हैं। तब ट्रायल राइड पे जाते हैं जब आप 100 किलोमीटर का नॉन स्टॉप, तो आपके बॉडी को ऑलरेडी आदत हो जाता है, और जब आप लॉन्ग राइड्स पे निकलते हैं तो आपका बॉडी ऑलरेडी रेडी होता है, उसे पता है कि आप ऐसे राइड्स कर चुके हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है उसके लिए। ये सब माइंड गेम्स है बट बहुत ही काम आता है लॉन्ग राइड्स पर। और इसका एक बेनिफिट ये भी है कि आप अपने व्हीकल का जो सर्विसिंग कराया उसका एक फाइनल टेस्ट कर सकते हैं बिफोर द बिग डे। लॉन्ग राइड्स पे आपको बहुत सारे किलोमीटर्स कवर करना होता है एक स्ट्रेच में, तो जब आप ट्रायल राइड करते हैं तो आपको आपके बॉडी का राइडिंग कैपेसिटी भी पता चल जाता है। बाइक पर ज़्यादा लगेज कैरी नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपको परफेक्टली पैकिंग को प्लान करना बहुत ज़रूरी है। जो काम का चीज़ है वो ले, सीज़न के हिसाब से पैकिंग करें एंड फॉलो द वॉश एंड वेयर फिलॉसफी। जब भी आपको टाइम मिले अपने कपड़ों को धो लीजिए या अपने होटल के लॉन्ड्री में दे दीजिए। एक अच्छा ऑप्शन है ड्राई फिट टी शर्ट्स लेने का जो बहुत जल्दी सूख जाता है, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। सो पैकिंग फॉर राइड्स इज ईजी बट पैकिंग राइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ड्यूरिंग योर राइड्स कैरी ड्राई स्नैक्स एंड वॉटर। ये सब तब काम आएगा जब आप कोई ऐसे स्ट्रेच पर राइड कर रहे हैं जहां पर कोई फूड स्टॉल्स नहीं है या कोई रेस्टोरेंट्स नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में समथिंग बेटर देन नथिंग बोल के ये चीज आपकी जरूर हेल्प करेगा। स्नैक्स और पानी के साथ आप अपने फर्स्ट एड किट को कैरी करना ना भूले, और कुछ बेसिक मेडिसिन भी अपने साथ हैंडी जरूर रखें। ये तो आपके लिए हुआ, अपने बाइक्स के लिए स्पेयर टायर ट्यूब्स और क्लच केबल और टूल किट डेफिनेटली कैरी कीजिए जस्ट टू बी सेफ। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कैरी कैश, थोड़ा सा कैश अपने पास रखिए, बिकॉज कुछ एरियाज और कुछ स्पॉट्स ऐसे होते हैं जहां पर आपको एटीएम्स नहीं मिलता, तो उन सिचुएशन में आपको आपका जो कैश आपके पास है वो बहुत काम आएगा। बाइक राइड्स रिस्क के साथ आता है बट इट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फॉलो ऑल द सेफ्टी मेजर्स, इसलिए राइडिंग गियर्स को प्रॉपरली पहनना बहुत जरूरी है। हेलमेट के साथ साथ नी और एल्बो गार्ड्स यूज़ करें। अगर आपका बजट परमिट करता है तो राइडिंग जैकेट्स, राइडिंग पैंट्स एंड प्रोटेक्टिव शूज़ में इन्वेस्ट करें, बिकॉज ये बहुत काम आने वाला है आपके राइड्स में अगर कोई मिसहैप होता है तो। और वैसे भी जान से ज़्यादा कीमती कुछ नहीं है, जान है तो जहान है। राइड्स के टाइम डेली बेसिस पे प्लान बनाइए। आज आप कितना किलोमीटर्स कवर करने वाले हो या कौन से डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाले हो, ये पहले से ही डिसाइड कर लीजिए डेली बेसिस पे, बिकॉज ऐसा करने से आपका जो एंटायर जर्नी है वो एक ब्रेकअप हो जाएगा छोटे छोटे पार्ट्स में, और आपका माइंड में क्लियर रहेगा कि आपको आज का जो एजेंडा है वो कैसे अचीव करना है। तो इससे क्या होगा कि आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं रहेगा कहीं स्पेसिफिक डेस्टिनेशन पे पहुंचने का, बिकॉज आपने अपने कैपेसिटी के हिसाब से ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कहां पर पहुंचना है करके। और फाइनली सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अपने स्ट्रेस को भूल जाइए और अपने जर्नी को एंजॉय कीजिए। आई होप यू लाइक द वीडियो और ये वीडियो आपके काम आए। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर ज़्यादा पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिए ताकि हम जब भी नया वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तब तक आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मे द मिलियन डॉलर स्माइल ऑलवेज बी विद यू ऑल। टेक केयर एंड सी यू सून।